क्या आपको पता है कि YouTube ने आपको ऐसे कमाल के फीचर्स दिए हैं जिसके ज़रिए आप अपनी खुद की वीडियो को खुद प्रमोट कर सकते हो, और वो भी बिना कोई पैसे लगाए और बिना किसी झंझट के। जी हाँ दोस्तों, ये एक YouTube ट्यूटोरियल वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप अपने खुद की वीडियो को आसानी से खुद के ज़रिए प्रमोट कर सकते हैं। आपको कहीं भी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, और यकीनन अगर आप इस फंडे को यूज करेंगे तो आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेगा, और सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वॉच टाइम, वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं YouTube के वो दो फीचर्स जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे नए लोग हैं वो जानते ही नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं YouTube के कार्ड्स की और YouTube के इंडस्क्रीन की। जी हाँ दोस्तों, जब हम कोई भी वीडियो देखते हैं तो लास्ट में हमें किसी के वीडियोज़ के अंत में कुछ वीडियोज़ दिखाई पड़ते हैं, 1, 2, 3, 4 करके, या सब्सक्राइब का बटन दिखाई पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती है। या बीच बीच में अगर हम वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो को ऊपर में ऐसे कुछ करके आता है, या एक आई बटन होता है उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारी वीडियोस खुल के आती है। इसके ज़रिए हम अपनी खुद की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। आज हम इस फीचर्स के बारे में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके बताएंगे कि आप इस फीचर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो बीटा वर्जन के अंतर्गत भी आप इसको कैसे यूज कर पाओगे, और क्लासिक वर्जन अगर आप यूज करते हो तो क्लासिक वर्जन में आप इसे कैसे यूज कर पाओगे। चलो सीखते हैं कि ये कार्ड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और कैसे इंडस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें फ़ायदे हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं और सीखते हैं कि YouTube के इंडस्क्रीन और कार्ड फीचर का इस्तेमाल कैसे करें अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए, अपने वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए, और अपनी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने YouTube को क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लीजिए। youtube.com को डेस्कटॉप मोड पे ओपन कीजिए। डेस्कटॉप मोड पे ओपन करेंगे तभी ये चीज़ कर पाएंगे, नहीं तो मोबाइल वर्जन में आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेते हो तो यहाँ कॉर्नर में आपको अपना यूट्यूब चैनल का लोगो दिखाई देगा, तो बस आपको उस लोगो पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपको लोगो दिखाई दे रहा है यहाँ कॉर्नर में, आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं कर्सर यहाँ पे घुमा रहा हूँ, यहाँ पे आपको लोगो पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको स्टूडियो बीटा में जाना है। सबसे पहले हम बीटा के जरिए आपको बताएंगे कि बीटा के जरिए हम कैसे इंडस्क्रीन और ये जो कार्ड के फीचर्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले अपनी वीडियो सिलेक्ट करनी है, तो आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाइए। यहाँ बाईं तरफ आपको डैशबोर्ड के नीचे वीडियो दिखेगा, आप वीडियो के अंदर जाएंगे। वीडियो के अंदर जाने के बाद आपको वो तमाम वीडियोस नजर आएगी जो वीडियोस आपने अपलोड किए। तो मान लिया कि इस वीडियोस पे मैं जो है इंडस्क्रीन फीचर्स या कार्ड फीचर्स लगाना चाहता हूँ, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी वीडियोस की डिटेल्स खुल के आती हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप दाहिने साइड में आओगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कार्ड का, और दूसरा आएगा इंडस्क्रीन का। तो सबसे पहले हम इंडस्क्रीन कैसे जुड़ेंगे, तो इसको हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एरो का एक निशान है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। इस पेज में कहेगा कि आप इंडस्क्रीन फीचर को जोड़ सकते हो। यहाँ पे आपकी वीडियो भी चलनी चालू हो जाएगी। आपको यहाँ ऐड एलिमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कई ऑप्शन खुल गया है। बारी बारी से समझते हैं। पहला ऑप्शन है वीडियो और प्लेलिस्ट का। देखिए, ये इंडस्क्रीन क्या होता है, ये इंडस्क्रीन होता है कि जब आपकी वीडियो समाप्त हो रही हो और कुछ समय का टाइम बचा हो, यानी कि आपकी वीडियो समाप्त होने में 15 सेकंड बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट मतलब 10 से 15 सेकंड, तो आपके इस स्क्रीन पे यहाँ पे कई वीडियोस आएगी नज़र। जैसा आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, बहुत सारे लोग वीडियोस डालते हैं तो आप देखे होंगे जब उनकी वीडियो खत्म होने लगती है तो आपको लास्ट में यहाँ पे हर जगह आपको वीडियोस दिखाई देते हैं। फिर सब्सक्राइब का बटन भी दिखाई देता है, उस पर क्लिक करके लोग सब्सक्राइब भी करते हैं। तो यही फीचर है इंडस्क्रीन का कि आपको अपनी ही वीडियोस के लास्ट में अपनी ही कुछ वीडियोस को डाल देना है। आप चाहे तो दूसरे की वीडियोस भी डाल सकते हो और दूसरा का चैनल भी प्रमोट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप अपनी खुद की वीडियो या कोई प्लेलिस्ट है आपके पास में वो डालना चाहते हो तो वीडियो और प्लेलिस्ट पे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको चूज अ वीडियो प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आप वीडियोस यहाँ से डालना चाहते हो तो आप यहाँ से वीडियोस को सिलेक्ट कर लो। प्लेलिस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो यहाँ से जो है कि आपको कोई भी एक वीडियोज या जो भी आप दिखाना चाहते हो अपने लोगों को, यहाँ पे सिलेक्ट करके क्रिएट एलिमेंट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो है कि आपको यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा लास्ट में। देखिए, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप जब बीटा वर्जन का उपयोग करते हो तो कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि अभी ये ऐड हो गया ना, लेकिन कभी कभी आपको वीडियोस ऐड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको जो है ना क्लासिक वर्जन में जाकर उसको सेट कर लेना है। मैं बताऊँगा कि कैसे आप बीटा से क्लासिक में स्विच करोगे और आसानी से कर पाओगे।
फिलहाल यहाँ पे मैंने एक इंड स्क्रीन पे वीडियो लगा दी है। अब देखो यहाँ पे ये एलिमेंट, अगर हम और एलिमेंट्स ऐड करना चाहें, और भी वीडियोस हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो हम यहाँ से फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अपनी वीडियोस को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम वहाँ पे जो है कि डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो बेस्ट ऑफ व्यूअर, यानी कि आपके व्यूअर सबसे ज्यादा जो देखते हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक यूट्यूब आपका एक ऐसा वीडियो उठाकर वहाँ डाल देगा जो आपके व्यूअर सबसे ज्यादा देखते हैं। यहाँ पे मोस्ट रिसेंट अपलोड है, इसमें आपने लास्ट में जो अपलोड किया था वो वीडियो ऑटोमेटिक यूट्यूब उठाकर डाल देगा। लेकिन अगर आप अपना से चूज करना चाहते हो कि मुझे ये पर्सनल वीडियो या ये फलाना वीडियो हमें उस जगह पे सेट करना है या कोई भी पर्टिकुलर वीडियो आपको डालनी है तो आपको यहां से सिलेक्ट करके वहां पे डालना है। तो ये आपने सीख लिया पहला चीज, एलिमेंट में आपने ऐड किया प्लेलिस्ट को या वीडियो को। दूसरा, आप सब्सक्राइब बटन भी ऐड कर सकते हो एलिमेंट में। देखिए यहां पे क्रिएट पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब का एक बटन आ जाएगा। आपको इसको यहाँ से स्क्रॉल करके जहां भी आप सेट करना चाहते हो, यहाँ रखना चाहते हो, यहाँ रखना चाहते हो या ऊपर में रखना चाहते हो, जहां भी रखना चाहते हो बस आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद ये सेव का बटन है इस पर क्लिक कर देना है। आपकी सारी इंड स्क्रीन की चीजें सेव हो जाएगी। लास्ट में जब ये वीडियो समाप्त होने लगेगी तो ये इंड स्क्रीन सामने खुल के आएगा। लोग इस पर क्लिक करके आपको डायरेक्टली सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। इससे क्या होगा, एक वीडियो के साथ साथ आपकी दूसरी तीसरी वीडियोज भी प्रमोट हो जाएगी और अगर एक वीडियो आपके फ्रेंड को पसंद आया या आपके यूजर्स को पसंद आया तो वो जरूर से जरूर दूसरी तीसरी वीडियो ही देखना पसंद करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जो वीडियोस आप यहां पे अपलोड करते हो उसी से रिलेटेड अगर आप यहां पे वो चीज लगाएंगे तो ज्यादा चलने के चांसेस है। ऐसा है कि जैसे कोई अर्निंग से रिलेटेड चीज देखने आता है और यहां पे आप मोबाइल से रिलेटेड कोई चीज बता देते हो तो वो देखने के चांसेस कम होंगे। इसलिए जिस तरह की आप वीडियो बनाते हो उसी तरह का एंड स्क्रीन आप लगाने की कोशिश करो। अब आपने दो चीज देखा कि आप यहाँ पे वीडियो सेट कर सकते हो, यहाँ पे चैनल सेट कर सकते हो अपना खुद का, यहाँ पे एक और चैनल का ऑप्शन है। अब बोलोगे कि ये चैनल क्या है, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है प्रमोट अनदर चैनल। अगर आप अनदर चैनल को प्रमोट करना चाहते हो, कोई और चैनल है आपका, दूसरा चैनल है या किसी और बंदे के चैनल को प्रमोट करना चाहते हो तो यहाँ क्रिएट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ उसके चैनल का URL डालना है और यहाँ पे आपको ये स्पेशल मैसेज देने हैं कि आपको क्या करवाना है। तो सब्सक्राइब करवाना है तो सब्सक्राइब, वॉच करवाना है तो वॉच, जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए और क्रिएट एलिमेंट पे फिर से क्लिक कीजिए और उसका चैनल का लिंक यहाँ पे आ जाएगा। इस पर कोई क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक जो है उसको सब्सक्राइब कर लेगा। यहाँ पे आप लिंक भी डाल सकते हो, कोई पर्टिकुलर लिंक, जैसे मान लिया कि आपकी कोई वेबसाइट की लिंक डालनी है या आपको कोई ऐसा लिंक डालना है जिसपे आपको यूजर्स को डाइवर्ट करना है, ट्रैफिक ट्रैफिक भेजना है, या आप अपने ब्लॉग स्पॉट की लिंक डालना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, सेव कर दीजिएगा और वो हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा इंड स्क्रीन लगाना, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। और भी इंड स्क्रीन में मैं कुछ अपनी वीडियोज जो है वो डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं बेस्ट ऑफ व्यूअर डालता हूँ। देखिए यूट्यूब ऑटोमेटिक जो है कि चूज करके निकाल देगा कि मेरे व्यूअर्स सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, तो यहाँ पे जो है कि ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये जो बेस्ट चीजें होगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पे, तो YouTube निकाल देगा। यहाँ पे हम और भी वीडियोस यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि हम ये वाला वीडियोस इसमें सेट कर देते हैं। उसके बाद आपको हम आगे लेके चलते हैं और आपको कार्ड जोड़ना भी सिखा देते हैं और उसके बाद आपको लास्ट में सेव करना है। अगर आप यहाँ पे सेव नहीं करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप जो है कितना सेटिंग भी कर लोगे फिर भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो। यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब हम यूट्यूब स्टूडियो में रिटर्न आ चुके हैं। अब हम आपको वीडियोज के जो कार्ड फीचर है उसके बारे में बता रहे थे, फिर से हम वीडियो के अंदर चलते हैं। फिर उसके बाद जो है कि हम उस पर्टिकुलर वीडियो को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमें ये कार्ड फीचर ऐड करने हैं और उसके बाद जो है कि हम यहाँ कार्ड का एक ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे दाहिने साइड में नीचे में आप देखो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आएगी जिसमें आपको फिर से ऐड कार्ड करने के लिए कह देगा। तो यहाँ से आप अपने कार्ड को ऐड कर सकते हो, इस पर क्लिक करो वीडियो ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट या कोई भी प्लेलिस्ट का अर्थ होता है कि आप कोई वीडियो वगैरह लगाना चाहते हो तो यहाँ एक आई बटन सा बन के आएगा, इस पर अगर क्लिक करेगा कोई भी आपका दोस्त यहाँ कॉर्नर में आई बटन सा लिख के आएगा आपके जब वीडियोज देखेंगे कोई भी यूजर्स तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो तमाम चीज जो आपने यहाँ पे ऐड की है वो आ जाएगा। और अगर वो वीडियो चल रही है तो बीच बीच में ये ब्लर भी करेगा ऊपर में, ऐसे करके निकलेगा भी। तो यहाँ पे जो है कि आपको प्लेलिस्ट या कोई वीडियो डालनी है तो आप वीडियो को पर्सनली उसको यहाँ से पकड़ के और क्रिएट कार्ड पे क्लिक करके आप जो है कि उसको ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आई बटन आ गया, इस पर क्लिक करेगा तो ऐसे लोगों को दिखाई देगा और टाइम टाइम जब भी वीडियो चलती रहेगी तो ये ऐसे निकल के बाहर भी आएगा, इसका जो नेम है वो बाहर निकल के आएगा, इससे यूजर्स को पता चलेगा कि कुछ ना कुछ है कार्ड में, उस पर क्लिक करेगा तुरंत वो वीडियो चलनी चालू हो जाएगी। तो यहाँ से आप ये कार्ड में आप प्लेलिस्ट और वीडियो ऐड कर सकते हो, यहाँ से चैनल भी आप प्रमोट कर सकते हो। तो चैनल पे क्लिक करोगे चैनल का URL और अपना स्पेशल चीजें और टैक्स डाल के आपको वहाँ पे डाल देना है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई पोल
पोल सेट करें। पोल जैसे कि बेसिकली बहुत सारे लोग जानते हैं कि पोल के बारे में, ये कोई चैलेंजेस आपको देने हैं कि आपको ये जैसे यस नो का कुछ जवाब पूछना है, जैसे मान लिया कि आप अमिताभ बच्चन को ज्यादा पसंद करते हो कि अभिषेक बच्चन को, ऐसा कुछ सवाल आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे पोल में आपको क्वेश्चन डालने हैं और यहाँ पे च्वाइस डालनी है, यस नो का डाल सकते हैं या लाइक कमेंट का, बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हैं। पोल्स होते हैं तो पोल्स जनरली होते हैं वोट मान लीजिए इसको, तो वोट आपको देना है, लाइक डिसलाइक का बटन लगा सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें होता है, या अभिषेक और यहाँ पे अमिताभ का जो है कि नाम लिख सकते हो और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस तरह से आप पोल लगा सकते हो, पोल भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों को पोल की जरूरत होती है तो वो लोग पोल यहाँ पे सेट करते हैं। लिंक्स डाल सकते हो, कोई भी अप्रूव्ड वेबसाइट है उसकी लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो। और इस तरह से आपको ये सारी चीजें करने के बाद, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ और भी वीडियोस यहाँ पे लगा देता हूँ, मैं अक्सर ज्यादातर वीडियोस लगाता हूँ क्योंकि वीडियोस प्रमोट करने की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको क्या चीज प्रमोट ज्यादा करना है। ध्यान रखिएगा कि जब आप इंडस्किन लगा रहे हो, यानी कि इससे पहले वाली जो चीजें बताया है वो इंडस्किन आप लगा रहे हो, तो उसके लिए आपको सिंपली देखिए एक वीडियो दो बार इसमें ऐड नहीं होगी, इसका ध्यान रखिएगा। एक वीडियो को अगर दो बार आप ऐड करना चाहोगे तो वो नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आप इंडस्किन लगा रहे हो तो ध्यान रखना कि आपको चार इंडस्किन लगा सकते हो, और अगर आप कार्ट ऐड कर रहे हो तो कार्ट में आप पांच वीडियो जो है वो आप आसानी से लगा सकते हो। तो पांच वीडियो आप आसानी से यहाँ से लगा लोगे, कार्ड के जरिए आप पांच वीडियो लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक ही चीज दो बार नहीं लगेगी। अब यहाँ हम रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो चलते हैं। कार्ड और इंडस्किन फीचर आपने समझ गया, मैं लास्ट में बता दूंगा वीडियो चला के कि कैसे कार्ड और उसका जो फीचर है वो लास्ट में काम करता है। अब मैं आपको यूट्यूब के जो क्रिएटिव स्टूडियो का जो पुराना वर्जन है क्लासिक उसमें ले चलता हूँ। क्लासिक में स्विच करने का सिंपल सा फंडा है कि आप बीटा में आ जाइए और यहाँ पे थ्री डॉट लाइन है इस पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे नीचे में आएगा क्लासिक क्रिएटिव क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते हैं आपको स्किप बटन दबाना है और उसके बाद आप टोटली इंटर हो जाओगे क्लासिक वर्जन में, यानी कि जो पुराने वाला वर्जन था उसमें। और इसमें अगर आपको क्या करना है कि ऐड करने हैं कार्ट वगैरह, तो बस आपका जो डैशबोर्ड का वीडियो सेक्शन होता है इसमें आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इजी है, बहुत इजी है, पहले इसमें जो है कि उसमें भी इजी ही है, जो सीख गया उसके लिए इजी है, जो नहीं सीखा उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। यहाँ इंडस्किन है, इंडस्किन में आइए और देखिए आपको इंडस्किन आपको लग रहा है यहाँ पे आइए और फिर इस इंडस्किन को जोड़ लीजिए। मैंने ऑलरेडी जोड़ रखा है, सब आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ पे, अब देखिए आपकी वीडियो जब खत्म होने लगेगी ना तो ऐसे आने लगेगा आपके इंडस्किन पे, देखिए ऐसे ऐसे आने लगेगा। और यूजर्स को अगर ये वीडियो बस खत्म होती नजर आएगी तो वो आसानी से इसको क्लिक करके इस वीडियो को देख लेगा, इस वीडियो को देख लेगा या इसे देख लेगा, या वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। कार्ड का इस्तेमाल करना है तो यहीं पे कार्ड का ऑप्शन है, कार्ड का आप इस्तेमाल यहाँ से कर पाएंगे। अगर आप भी YouTube पे कम सब्सक्राइबर्स और वर्स्ट टाइम के झंझट में हो तो आप ना इस फीचर्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए, यकीनन आपको इस फीचर्स से फ़ायदे देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर Facebook पेज भी देख रहे हो तो पेज को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और YouTube चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाइएगा, तभी हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच पाएगी। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय। नमस्कार।